सारे नु सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मेरा छोटा जय खाब आपके दिलों में राज करो जनाब। रूम में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरा कोलीग सो रहा था और मैं जा रहा हूँ शूटिंग के लिए। कहाँ जा रहा हूँ आपको लेके चलता हूँ। और चलिए मेरे साथ साथ, मुझे पूरे 5:30 यहाँ से निकलना था, होटल से कहीं शूट करने जाना था। कहाँ जाना है वो मैं आपको लेके चलूँगा, लेकिन दिन निकल आया है क्योंकि हमारे ड्राइवर साहब फ़ोन ही उठा रहे थे, सो रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, तो काफ़ी लेट कर दिया अन्ना ने। अन्ना कितने बजे का कॉल टाइम दिया इदर था? इधर ही है। नहीं, आप तो इधर था, फोन नहीं उठा रहे। मैं 5:30 बजे का फोन करने के लिए गए थे। तो कितने बजे का कॉल टाइम दिया था आपको? मैं रेडी है ना उसी टाइम पे। कॉल टाइम कितने बजे का था? 5:30 बजे रेडी था, इधर बैठा था। तो मैं फोन करे जा रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। मेरा जो प्लान था वो पूरा ही ड्राइवर की वजह से गड़बड़ आ गया। अन्ना ने आज पूरी गड़बड़ कर दी यार। मेरा मन खुश नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सनराइज हो चुका है। मुझे थोड़े अंधेरे में आना था, आप देख रहे होंगे सनराइज हो चुका है। इतनी सुंदर जगह पे आके मूड खराब करना, कसम से मूड खराब है, मज़ा ही नहीं आ रहा। आप मेरा चेहरा भी देख सकते हो, खुशी मिलनी चाहिए यहाँ पे आके, लेकिन मज़ा ही नहीं आ रहा। समुंदर की शांति, मतलब शोर बोल सकते हैं, समुंदर का शोर सुनने आया था। वो शोर सुनने से क्या होता है ना, मन की शांति मिलती है, मुझे तो मिलती है, बाकियों का मुझे पता नहीं। मैं समुंदर के किनारे जब भी आता हूँ घंटों बैठा रहता हूँ। कई बार बहुत सारे समुंदर देखे मैंने, पर आज ये पहला ट्रिप होगा मेरा जब मूड ख़राब हो गया। तो ये सामने सनराइज़ हो चुका है ऑलमोस्ट। मैं क्योंकि एक्सपोजर मेरा सेट था इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा था उसमें, तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको। और मैं हूँ अभी खूबसूरत मरीना बीच में चेन्नई के अंदर। ये चेन्नई है गाइस, और नज़ारा खूबसूरत आपकी आंखों के सामने, ब्यूटीफुल। और मैं अपना शॉट कर रहा हूँ सनराइज़ का, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो मिला ही नहीं। तो अपने असिस्टेंट को मैंने वापस भेज दिया है, कैमरा मैंने ले लिया है, सिर्फ कुछ हाइपरलैप्स शूट करूंगा। और प्यास बड़ी लग रही है तो सोचा समुंदर के किनारे क्यों ना नारियल पानी पिया जाए। भैया एक नारियल पानी देना, मलाई वाला मिलेगा ना? तो मैंने अभी क्या किया, असिस्टेंट को भी भेज दिया, ट्राईपॉड भी गाड़ी में रखवा दिया। मैंने बोला तुम लोग नाश्ता वाश्ता कर लो, वो अपना नाश्ता कर लेंगे, और मैं क्या करूँगा कि हाइपरलैप्स लेता हूँ। मेरे पास गिम्बल नहीं है गाइस, जो सिनेमाटोग्राफी समझते हैं उनको पता होगा, फोटोग्राफर को भी पता होगा, गिम्बल नहीं है मेरे पास। तो मैं स्टिल से हाइपरलैप्स शूट करूंगा, और थोड़ा अकेला घूमना चाह रहा था। तो रीज़न यही था कि व्लॉग अच्छे बन जाएंगे, फिर वो आजू बाजू घूमते रहते हैं, चलो सर भूख लगी, सर ये सर वो सर। तो ठीक है, एक कैमरा ले लिया, बैटरी ले ली मैंने, उसी से काम हो जाएगा मेरा। मेरे पीछे ये बच्चे रब्बी खेल रहे हैं, मैंने इनसे पूछा कि रब्बी खेल रहे हो तो शूट कर लूँ आपको, कह रहे हाँ ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार कोच, व्हाट यू आर नेम? अनु वेंकटेश। तो यू आर लोकल फ्रॉम चेन्नई? चेन्नई। ओके, फ्रॉम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ओके, बेसिकली दिस इज अमेरिकन गेम? नो, दिस इज यूरोपियन गेम्स, रग्बी। सॉरी, यूरोपियन। या शूटिंग पूरी हो गई है मेरी, दोनों हाइपरलैप्स ले लिए मैंने, जो लाइट हाउस था उसका भी मैंने हाइपरलैप्स ले लिया, गांधी जी की मूर्ति का भी हाइपरलैप्स हो चुका है, ले लिया है, शूट कर लिया है मैंने। और गाड़ी मंगवा ली मैंने, वो खड़ी है सामने, ये रही ब्यूटीफुल चेन्नई। पहले जैसे ही मैंने एंटर किया था चेन्नई, तो मैंने सोचा यार कैसा शहर है, लेकिन अभी इसकी ब्यूटी देखो गाइस। और अभी चलते हैं अपन शिवा टेम्पल। आई वॉन्ट्स टू गो शिवा टेम्पल। यस यस यस। नो, अभी मैं पहुंचा हूँ शिवा टेम्पल, बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है मेरे पीछे।
और यहाँ डॉगी दूध पी रहे हैं। ये जो डॉगी है इन बिल्लियों को दूध नहीं पीने दे रहा। तो फ्रंट कैमरे से आपको इन बिल्लियों का क्यूट क्यूट सा पोज दिखाता हूँ। मंदिर का शॉट हो चुका है और मैंने GoPro लगाया है अभी रैंडम रोड शॉट के लिए। हाइपरलैप्स मैं ले चुका हूँ। पहले मैंने GoPro यहाँ पे लगाया था लेकिन उसमें मज़ा नहीं आ रहा था शॉट में, अब मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो मैं शॉट्स ले रहा हूँ, हाइपरलैप्स ले रहा हूँ, GoPro लगा रखा है, ये व्लॉग के लिए नहीं है। व्लॉग मैं सिर्फ फ़ोन से कर रहा हूँ। तो गाइज होटल पहुँच चुका हूँ मैं। बेड वगैरह वैसे वो है जहाँ मैंने सामान रखा है। ये यहाँ इसलिए लेटा था, लेटा नहीं था ऐसे ही, बस थोड़ा रिलैक्स कर रहा था। तो जो भी शूट किया मैंने यहाँ पे एडिट होगा। इनको तो आप जानते हो, GS विर्क को, ये अभी कॉपी करेंगे और अपना एडिट कर देंगे। तो चलो गाइस चलते हैं नाश्ता करने के लिए, भूख बहुत लग रही है। तो पहुँच गया हूँ मैं रेस्टोरेंट और सबसे पहले मिलिए चौधरी जी से। ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इनकी बहुत, इनके जितना मेहनत अगर मैं कर लेता ना, 5% भी कर लेता ना ब्लॉग बनाने के लिए, मैं भी आज कहीं का कहीं होता। ब्रेकफास्ट हो गया, खत्म हो गया, मैं बहुत जल्दी आया। सबसे पहले मैं ही आया था, बाकी सब लोग सो रहे थे, उधर डीनो भाई बैठे हुए हैं। तो इनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ये बहुत ही हाई लेवल के बाइकर और इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं इनके मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने देखा नहीं, सिर्फ फॉलो कर लिया इनको। तो ये हमारे डीनो सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, की हाल चाल, सत श्री अकाल। और हमारे भाई साहब बहुत एक्टिव है एंड ही इज वर्क रियली हार्ड फॉर यस्टरडेज कंटेंट। हम लोग चलते चलते यहाँ पे पहुँच गए चेन्नई। अभी तो आज 2 मीटअप्स हैं तो, और इनके साथ थोड़े शूट्स भी है, तो लेट्स होप एवरीथिंग वर्क्स आउट वेल। हाय विचू सर, विचू फ्रॉम केरला। तो विचू जी फ्रॉम केरला। तो गाइज मैंने बोला था ना बीच बीच में मैं मिलवाऊंगा इनसे, लेकिन इनके साथ शायद आज शूट करूं, लेकिन ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं ब्रेकफास्ट। इधर देखो अकेले अकेले ब्रेकफास्ट करते हैं। हेलो। लेकिन अकेले करते हैं? नहीं नहीं, अकेले नहीं है, अभी आप आए हो, अब करोगे, अब मिलजुल के बैठ के। चलो मिलजुल के गाइज नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर से मिलते हैं आप। तो गाइज यही है मेरा नाश्ता, बस थोड़ा सा फ्रूट खाऊंगा और जूस पीऊंगा बस। तो दिस इज अ लंच टाइम, लंच करने के लिए आए हैं, होटल ही अपने जहाँ ठहरे हुए हैं, लंच करते हैं फिर देखते हैं क्या शूट करना है। सब लोग भुक्कड़ हैं, खाने की वेट कर रहे हैं, अभी तक खाना आया नहीं, पापड़ ही उठा उठा के खा लिए सबने। और पीछे देखिए गाइस कितनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है ना हमारे लिए, मैं ये बोल रहा हूँ हमारे लिए। और सुपर बाइकर आ गए हैं हमारे साथ खाना खाने के लिए। भाई साहब इतनी सारी एनर्जी, भाई कहाँ से लाते हो, थोड़ा हमें भी दे दो पाजी। तो ही इज ऑफ कोर्स वेरी वेल सेड, रहमत उनकी रहनी चाहिए, और प्यार आप सबका तो होगा हमारे साथ। तो कीप सपोर्टिंग अपकमिंग यू नो यूट्यूबर, वर्क्स रियली हार्ड ऑन हिज कंटेंट, सो आई होप ही क्रिएट्स किक एस कंटेंट फॉर यू गाइस, एंड होप आई विल फीचर नेक्स्ट टाइम इन हिज ब्लॉग, एंड ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग। मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, खाना इन द सेंस के मैंने लंच स्किप कर दिया और कभी डिनर स्किप कर दिया, लेकिन आज लंच कर रहा हूँ, बड़ा ही डिलीशियस। गाइज मटन मंगवाया हमने और चपाती है, तो सुन लिया आपने, ये नॉन वेज नहीं खाते और हम मज़ा लेते हैं। अभी आपको गाइज खा के दिखाता हूँ कैसा है। खाना खाने के बाद गाइज आ गई है बहुत तगड़ी नींद, मतलब सुस्ती पड़ रही है, मुझे करना है अभी बहुत सारा शूट। तो अभी मैं पहुंच गया हूं बहुत ही खूबसूरत जगह पे, चेन्नई का रेलवे स्टेशन है गाइज, इतना सुंदर है ना गाइज, फ्रंट कैमरे से दिखाता हूं आपको। तो सारा दिन काम करने के बाद अब आया है डिलीशियस फूड की बारी, खाना खाने का किसी का भी मन नहीं कर रहा, और बिल्कुल नहीं कर रहा ना, तो इन्होंने खाना शुरू कर दिया, ये बड़े भुक्कड़ हैं। GS विर्क आप सब लोग जान ही गए होंगे मेरे व्लॉग्स में। तो गाइज आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द बटन एंड लाइक एंड शेयर
अभी डिनर करते हैं, आप सबको लव यू टू ऑल एंड बाय बाय।